हाँ डेफिनेटली। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है, स्टडी मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये आज की क्लास के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये है CHSL 2022 पे, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके, ठीक है। शाबाश। तो पहला जो क्वेश्चन है, 50 सवाल मैं करवा चुका था, अगले 50 क्वेश्चन को अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन की सीरीज पहले मैं कंडक्ट करवा चुका हूँ, ठीक है भाई। शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखिएगा जरा पहला क्वेश्चन क्या आएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। शेयर करके आओ जरा, शाबाश एक बार। तो सारे के सारे भाई बहन शेयर करके आओ एक बार, चला दो बस एक बार। सारे के सारे भाई बहन शेयर करके आओ जरा, शाबाश बताओ जरा। शाबाश भाई, ठीक है, सारे के सारे भाई बहन ने शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अपने को ये चार वर्ड दिए हैं भाई, अपने को क्या दिए, चार वर्ड दिए हैं। और आपको एक अलग पहचान के बताना कि सर इसमें से ओड क्या आएगा, एक शब्द आपको एक ओड निकाल के बताना है, ठीक है। क्लियर बातें होगी, आपको ओड निकाल के बताना कि वो एक ओड क्या आएगा, इसमें से ओड क्या है, आपको क्या लग रहा है। आपने बोला सर देखो मैंने इससे लास्ट से सीरीज को उठाया, मैंने पढ़ना शुरू किया, TUVW, सही बात है। MNO, ठीक है। STU, यानी कि लास्ट से तो बढ़ रहे हैं सर, लास्ट से बढ़ते चल रहे हैं, लेकिन ये लास्ट से घट रहा है। ये लास्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे GHI बढ़ रहा है उस साइड से, लेकिन बढ़ना उस साइड से चाहिए था, इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। क्लियर होगी बातें, शाबाश। अगला सवाल जो देखिएगा एक बार, अगला सवाल भाई आप लोगों से पूछा है, क्या पूछा है बंदे ने, कितना बढ़िया सवाल पूछा है। लो मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। कह रहा है कि कितने, ना तो गुलाबी है और ना ही हरे और ना ही पीले, क्या बात है, बताओ जरा। कितने, ना तो गुलाबी ना ही हरे ना ही पीले, बताओ जरा, शाबाश। नहीं, यहाँ पे ना ही नहीं आएगा, ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं। कितने गुलाबी है, अच्छा कितने गुलाबी है, पिंक है जो, ना तो येल्लो की श्रेणी में आते ना ही हरे में आते, बताओ जरा निकाल के, शाबाश। एक बार दिखा दो, ये डाउनलोड होता रहेगा सर, बताओ जरा, शाबाश बताओ, बताओ भाई बताओ, शाबाश बताओ जरा, शाबाश। एक एक बच्चा कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश बताओ भाई बताओ। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, देखो भाई वो देखो क्या रहा, कितने गुलाबी, यानी कि कितना जो पिंक का एरिया ना, जो कितना पिंक का एरिया है, ना तो वो येलो में आना चाहिए और ना ही वो ग्रीन में आना चाहिए। तो तुमको एक दस दस ऐसा दिख रहा होगा जो ना तो ग्रीन में आता ना येलो में आता, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल पे मैं चलता हूँ, बताओ जरा, तुमसे सवाल पूछा है भाई, कितना बढ़िया सिलोग्स का कथन निष्कर्ष का तुमसे एक सवाल पूछा गया है, बताओ जरा, शाबाश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश करके बताओ जरा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ये बस सारे के सारे भाई बहन शेयर कर दो चैनल को जल्दी जल्दी, शाबाश। वीडियो सही चल रही है, मैं विजुअल हो रहा हूँ स्क्रीन पे, सबको दिख रहा है भाई, बताओ जरा। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई मोबाइल है वो विद्युत उपकरण नहीं है, यानी कि कोई भी मोबाइल है उसका जो है रिलेशन है वो भी जो इलेक्ट्रिकल वो सामान है ना उसके साथ नहीं है, अभी डायरेक्टली उसके साथ कोई उसका रिलेशन नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल विद्युत क्या है, उपकरण है, यानी कि सारे के सारे जो विद्युत है ना वो सारे के सारे किस में आते हैं भाई, उपकरण इक्विपमेंट में आते हैं, यानी कि वी इसके अंदर आता है भाई। अच्छा जरा एक बात बताओ, जब ई का एम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वी का भी इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन है ना, तो ये यहाँ जा सकता ना ये यहाँ जा सकता, क्रॉस का बेसिकली इतना सा मतलब होता है। अब क्या कहा है, कोई महंगा मोबाइल नहीं है, कोई महंगा मोबाइल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, महंगा, M4 महंगा है, M4 क्या है, महंगा। अब जरा देखो ये क्या है, मोबाइल है, MO से मोबाइल है। ये कह रहा है कि कोई महंगा मोबाइल नहीं है, आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, आप इसमें डायरेक्टली देखो इलेक्ट्रिकल का तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मोबाइल इलेक्ट्रिकल नहीं है, लेकिन मैं महंगे का और मोबाइल का सीधा रिलेशन नहीं बता सकता, क्योंकि देखो कुछ हिस्सा तो सही है भाई, नहीं हो सकता, लेकिन इस हिस्से की मैं गारंटी थोड़ी दे सकता हूँ कि ये है या नहीं, मुझे क्या पता है या नहीं,
मुझे क्या पता है या नहीं, जब मैं गारंटी नहीं दे सकता तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, मैं डायरेक्ट रिलेशन बना ही सकता। अब वो कह रहा है कि कुछ महंगे मोबाइल है, मोबाइल कहा महंगा कहा, इनके बीच में क्रॉस का साइन है, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहा है फिर, दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते। शाबाश, बताओ जरा। अच्छा, यहाँ पे दोनों नहीं दे रखे तो जरा देखो, यहाँ पे लगेगा आइदर और, क्या लगेगा आइदर और लगेगा, देखो कैसे, कभी भी नोट आ जाए और क्या आ जाए सम आ जाए, यानी कि एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए, दोनों के दोनों एलिमेंट एक जैसे हो, जैसे महंगा मोबाइल ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों के दोनों क्या हो गलत हो, तो वहां पे एक केस लगता है किसका, आइदर और का, या तो एक या फिर दो। क्लियर होगी बात, आइदर और के लिए तीन केस पॉसिबल होते हैं, मैं तीनों के तीन तुम्हारे सामने लिखवा रहा हूं भाई, कभी डिटेल में डिस्कशन हुआ फिर बता दूंगा। एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक नेगेटिव, दोनों जगह सेम एलिमेंट का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर बी, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, सीधी सी बात। अगला सवाल देखते हैं भाई, बताओ जरा शाबाश, ये सवाल सारे के सारे निकाल के बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा इसमें से क्या अलग है, इसमें से आप लोगों को अलग बताना है, शाबाश बताओ जरा निकाल के। बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, बताओ भाई बताओ शाबाश। बताओ जरा, देखो भाई आपको चार वर्ड दिए गए, आप में से एक ओड पूछा आप लोगों से, क्या पूछा है, ओड पूछा है भाई, निकाल के बताना आपको ओड क्या होगा इसमें से, शाबाश बताओ जरा, ओड आप लोगों को बताना है। ये रिवर्स कर लिया, 5 7 3 2 से मैंने हटाया है, इसका मैं गैप देख लेता हूँ, 3 4 3 2 4 1, मैं जैसे इसको घटाता हूँ, क्या घटाता हूँ, घटा लेता हूँ, जरा देखना भाई, इनका जो गैप आ गया 2 से जाएगा 1, 13 से 4 जाएगा तुम्हारा कितना बचेगा भाई, 13 से 4 जाएगा तुम्हारा 9 बचेगा, 5 6 से 2 जाएगा 4, यहाँ पे जरा देखना भाई, 5 से 3 जाएगा 2, ये बच रहा है तुम्हारा गैप 24 91, क्या इसका इसका भी 24 91 बच रहा है, बताओ जरा, इसमें से घटा रहा हूँ मैं 48 35 से मैं घटा रहा हूँ कितना तुम्हारा 23 54, 5 से तुम्हारा 4 जाएगा भाई, 5 से 4 जाएगा 1, 13 से 5 जाएगा 8, ठीक है भाई, यहाँ पे जरा देखना भाई, 8 से 3 जाएगा तुम्हारा 5, 4 से 2 जाएगा 2 भाई, 25 81, अच्छा सही है भाई, यहाँ पे आखिरी ऑप्शन क्यों मिस कर दिया भाई, यहाँ पे आखिरी ऑप्शन देना चाहिए था इन्होंने, चलो मैं देख के बता देता हूँ फिर भी क्या आएगा, जरा देखना भाई, 4 8 2 6, और इसको घटाना 2 3 4 5 से, 6 से 5 जाएगा 1, 12 से 4 जाएगा 8, 8 से 3 जाएगा 5, यहाँ पे 4 से 2 जाएगा 5, 25 81, अच्छा जरा देखना भाई, इसमें दोबारा देख लेता हूँ मैं, 2 से जाएगा 1, ठीक है भाई, 2 से 1, 13 से 4 जाएगा 9, यहाँ पे जरा देखना भाई, 7 से 2 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे 7 से 2 जाएगा 5 नहीं आएगा, हाँ यहाँ से एक यहाँ से ले जाएगी 1 आ जाएगा, ये ओड आ जाएगा, ये ओड आएगा, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट एरर है भाई, इसको छोड़ देना, इस ऑप्शन को छोड़ देना, स्टेटमेंट एरर है, इन तीनों में से आपको ओड निकाल के बता देना, क्योंकि यहाँ पे अधूरी बात लिखी है इसने, इन तीनों में से ओड क्या है सिर्फ ये है, बाकियों का जो गैप है वो 25 81 है, लेकिन इसका गैप क्या है इतना आ रहा है। अगला सवाल देखिएगा, आप लोगों को एक कोड निकाल के बताना, शाबाश आपको एक कोड निकाल कर बताना है, शाबाश निकालिएगा, नृत्य संपादक बढ़ई, शर्ट पतलून साड़ी, ठीक है, कार कुर्सी मेज स्टूल, कार ट्रक सड़क, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा शाबाश, बताओ 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 शाबाश क्या आएगा, बताओ बताओ शाबाश, देखो तुमको दिख रहा भाई, नृत्य निर्देशक संपादक, ये तीनों के तीनों प्रोफेशन है, तीनों के तीनों प्रोफेशन है, शर्ट पतलून साड़ी ये तीनों के तीनों पहनने की चीज है, कुर्सी मेज स्टूल ये तीनों के तीनों बैठने या फिर फर्नीचर के सामान में आ गई,
कार ट्रक सड़क एक अलग आ गई, यहाँ पे कार ट्रक बाइक आ जाता है, कुछ और आ जाता तब तो ये बात सही थी, लेकिन इसमें सड़क आ गया इसलिए क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। इसमें से एक आपको ओड निकाल के बताना था। क्लियर है बातें? शाबाश, सही है भाई। अगला सवाल पे भी चलता हूं। आप लोगों से सवाल पूछा कि जिस प्रकार इनका रिलेशन दिया है तो उसी प्रकार इनमें से किसका रिलेशन दिया हुआ मुझे मिलेगा। शाबाश बताओ जरा, बताओ जरा शाबाश। काजल शर्मा डी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया शाबाश काजल। शायर शेयर कर दो काजल, सब स्टेटस वगैरह लगाओ अपने अपने, शाबाश दे लगाओ भाई, शाबाश। बताओ जरा 12, 144, 1728, 6, 36, 216 इनमें से क्या ऐसा है जो इनकी तरह फॉलो कर रहा है? बताओ जरा शाबाश, बताओ 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 शाबाश। तुमको दिख रहा है भाई 12 का स्क्वायर 144 होता है और 12 का ही क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। 6 का क्यूब 36 होता है और 6 का ही क्यूब 216 होता है। 8 का क्यूब 64 तो होता है, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का क्यूब 512 आना चाहिए था, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का यहाँ पे भी 113 से 131 होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 और 10 का ही क्यूब 1000 होता है। 3, बताओ जरा। सबकी बातें क्लियर हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल देखिएगा जरा, शाबाश। आप लोगों को निकाल के बताना है भाई ये, शाबाश, कि 8, 5, 13, 39 जिस प्रकार संबंध रखते हैं वहां पे 14, 11, 75 किस प्रकार रिलेशन है रखेंगे। शाबाश बताओ जरा, बताओ भाई बताओ, शाबाश। बताओ, एक एक शिव सुरेंद्र का सही है, काजल का सही है, उर्मी का सही है, उमा का सही है, मोनू का सही है। ऋतिक गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है तेरे? बताओ जरा शाबाश, हो गया बस, अब उसका रहता, धन्यवाद। बताओ जरा शाबाश, बताओ भाई बताओ शाबाश, देखो क्या आएगा इसमें। 8 और 5 13, 13 3 39, 11 और 14 तुम्हारा 25, 25 3 तुम्हारा 75, 9 और 5 14, 14 3 42 होना चाहिए था, नहीं आएगा। 11 7 18, 18 3 56 होना चाहिए था, नहीं आएगा। 7 और 4 11, 11 3 33, हाँ बिल्कुल सही बात है। बताओ, जोड़ के कितना तीन गुणा, शाबाश। अगला सवाल निकाल के बताओ जरा, जिस प्रकार टैडपोल मेंढक से रिलेटेड है उसी प्रकार इल्ली क्या होगा? ये क्या है भाई, इल्ली क्या होगा भाई? इल्ली नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा शेव कर दिया, इल्ली नहीं आएगा यहाँ पे। क्या आएगा भाई वो मैं बता देता हूँ शाबाश, इल्ली नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा तुम्हारा क्या होता है ये बटरफ्लाई पे जो प्लेस पहली फेज होती है ना बटरफ्लाई की, वो आएगा यहाँ पे। झिल्ली नहीं आएगा, इल्ली नहीं आएगा यहाँ पे, इल्ली नहीं आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है भाई, यहाँ पे इल्ली नहीं आएगा, ठीक है शाबाश। अच्छा इल्ली आएगा क्या? इल्ली ही आएगा, इल्ली आता है क्या? अच्छा अच्छा हाँ, देखो लार्वा जो टेडपोल क्या होता है, मेंढक का होता है, वो छोटा सा जो भ्रूण होता है ना उसको बोलते हैं इल्ली। इल्ली किसकी होती है? तितली की होती है भाई, तितली। शाबाश, ठीक है, थैंक यू भाई। किसने बताया? ऋतिक मोनिका ने बताया, जी हाँ शाबाश। आगे देखिएगा जरा, आइसलैंड का कोड क्या दिया भाई? HTKBM दिया है, टैबलेट का कोड ये दिया तुमसे, किसका पूछा भी? बेंगल का कोड पूछा है, निकाल के बताओ जरा, एक मिनट का समय है सबके पास, निकाल के बताओ जरा शाबाश सारे के सारे। बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा, बताओ बताओ शाबाश, बताओ बताओ, अरे एक बताओ बताओ। डी कह रहे हैं, पूजा कह डी कह रहे हैं, शाबाश। देखते हैं भाई, देखो आइसलैंड को देखो, ISLAND, आइसलैंड का कोड क्या दिया बच्चे ने? HTKBME। अच्छा जरा देखो, अब सारे आई 9 पे आता है, एच 8 पे आता है, एक कम हो रहा है, एस 19 पे, टी 20 पे, एल 12 पे, के 11 पे, ए 1 पे, बी 2 पे, एन 14 पे, ये 13 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। देखो जरा, पहली बार एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो जरा बेंगल को भी देखना भाई, BANGLE,
BANGLE, पहले एक क्या कर दो, घटा दो, बी से जाओगे एक कम होगा, फिर एक बढ़ा दो बी, फिर एन से एक कम कर दो, एन से एक कम करोगे तो एम आ जाएगा, जी से एक बढ़ा दो एच आएगा, अब जरा एल है ना, एल से एक कम कर दो के आएगा, ई से एफ बढ़ा दो ई आएगा, देखना भाई किसमें है ऐसा, एल से जे के आएगा ना, के एफ, बताओ जरा, ए बी एम के एफ, ये रहा ए बी एम एच के एफ, ए आंसर आएगा, क्लियर होगी बातें, शाबाश, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है भाई, बताओ जरा शाबाश, ये क्या कह रहा कि भाई, शाबाश, ये कह रहा कि अगर मैं किन्हीं भी दो साइन को बदल दूं, किन्हीं भी दो साइन को मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो आपस में बदलने पर उनके मान क्या होंगे, यहाँ पे साइन तो बता दो, ये सवाल छोड़ दो भाई, ये पता नहीं उन्होंने कैसे लिख दिया है, चलो अगला सवाल बताओ जरा शाबाश करके, 61वां सवाल निकाल के बताओ जरा शाबाश, 61 सवाल निकाल के आप लोगों को बताना है, 61 क्वेश्चन, इसकी जो नीचे की तरफ मिरर इमेज क्या आएगी, नीचे की तरफ मिरर इमेज क्या आएगी, निकाल के बताओ जरा शाबाश, सारे के सारे भाई शेयर करो जल्दी जल्दी, यार आंसर बताओ भाई, फिर तो मजा आएगा यार, जल्दी जल्दी बताओ, तुम्हारे हिसाब से मिरर इमेज क्या आएगी 16वें क्वेश्चन, सॉरी 61वें सवाल की, निकाल के बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ, देखो तुम बोलोगे सर एक काम करो, आप क्या करो उसको नीचे करके देखो, नीचे नीचे देखो नीचे, अब जरा देखो ये आर है, आर नीचे की तरफ बनेगा, उल्टा इसमें बन रहा है, इसमें नहीं, इसमें तो सीधा बन रहा है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, इसमें आर बन रहा है उल्टा, इसमें आर बन रहा है ऐसा उल्टा, अब जरा देखो भाई, अब मैं क्या देखता हूँ, ये देखो ये जो पांच है ना, पांच किस तरीके से बनेगा, उल्टा बनेगा, तो इसमें तो सीधा बनना है, इसमें जरा देखना भाई, इसमें भी इस तरीके से बना, इसमें भी इस तरीके से बना, इसमें भी इस तरीके से बना है, क्या बात है भाई, अब जरा देखना भाई, अब जरा देखो शाबाश सारे के सारे, अब जरा देखो ये जो सी है ना, ये सी है, जब नीचे की तरफ आएगा तो ये एक उल्टा दिखेगा, ये जैसा दिख रहा है, इसमें भी ऐसा दिख रहा है, इसमें भी ऐसा दिख रहा है, शाबाश, ठीक है, और इसमें भी ऐसा दिख रहा है, अच्छा, अब जरा दो को देखो, दो, अब दो को जैसे नीचे तारोगे तो ये दो उल्टा बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा दो, बताओ जरा, जैसे मैं नीचे उतार रहा हूँ इस चीज को, हाँ इस तरीके से बनेगा दो, इसमें तो उल्टा बना हुआ है भाई, इसमें तो क्या बना हुआ, उल्टा बना हुआ है, देखो एक बार जरा देखने दो भाई, दो इस तरीके से, जब ये नीचे उतरेगा ना दो, जैसे ये रहा दो, ये दो इस तरीके से, अब इसका मिरर जैसे नीचे की तरफ बनाओगे तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से नहीं दिखेगा, अच्छा उल्टा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा भाई, इस तरीके से दिखेगा, बताओ जरा, इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, इसमें भी ऐसा नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, क्या रहेगा भाई, डी इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, शाबाश, बताओ जरा, सबको समझ में आ गई बातें, क्या आएगा, डी आएगा भाई इसका आंसर, चेक कर लेना अपना अपना एक बार और, ठीक है, शाबाश, अगला बताइएगा, किसान का संबंध हल के साथ है, किसान का संबंध किसके साथ है, हल के साथ है, तो कुदाल का संबंध किससे होगा, शाबाश, बताओ जरा, किसान का संबंध कुदाल के साथ है, अच्छा किसान का संबंध हल के साथ है, तो सेम इट इज किसका रिलेशन किसके साथ होगा, निकाल के बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ बताओ, शाबाश, बताओ बताओ, शाबाश, बताओ भाई बताओ, शाबाश, बताओ बताओ, शाबाश, सी 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 सी, अच्छा बिल्कुल सही बात है, देखो जरा, किसान क्या चलाता है, हल चलाता है, दर्जी हैरो थोड़ी चलाता है, लेखक कुदाल थोड़ी चलाता है, सैनिक कलम थोड़ी चलाता है, सिल है, चिकित्सक क्या चलाता है, आपका जो उसका होता है ना वो चलाता है, बताओ जरा शाबाश, 63वां सवाल निकाल के बताओ जरा शाबाश, शाबाश शाबाश, बताओ जरा शाबाश भाई, बताओ बताओ, इसको अगर पेपर फोल्डिंग है, पेपर फोल्डिंग, अगर मैं पेपर को फोल्ड करता हूँ, पेपर को फोल्ड करता हूँ, देन वो पेपर कैसा दिखेगा, पेपर को फोल्ड करने के बाद ये पेपर कैसा दिखेगा, आपको पता है एक बार तो ऊपर से ऐसे फोल्ड किया गया, फिर एक ऐसे फोल्ड किया गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, ये इस तरीके से बनेगा, ये रहा, ये इस तरीके से बनेगा,
ठीक है, सेम इट इज, ये इस तरीके से बनेगा और ये इस तरीके से बनेगा। देखो जरा इसमें ऐसा बन रहा है, आप बोलोगे बी ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं बन रहा। बताओ जरा शाबाश, अगला सवाल निकाल के बताओ जरा शाबाश। एक बार शेयर बहुत कम हो रहा है भाई, शेयर बहुत कम है, आप लोगों को शेयर करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी वीडियो, शाबाश शेयर करो। 64वां सवाल आ गया, निकाल के बताओ शाबाश, बताओ जरा, बताओ बताओ शाबाश, बताओ भाई बताओ, 64वां सवाल निकाल के बताओ सारे के सारे शाबाश। तुमको दिख रहा है भाई, जस्ट 180 डिग्री घुमा दो, जस्ट 180 डिग्री घुमाओ जरा। तो ये जरा देखना, ये इस तरीके से चांद बनाएगा, यहाँ तो नहीं आ रहा चांद, यहाँ पे टेढ़ा चांद है भाई, यहाँ पर भी चांद चलो बन रहा है। अब जरा देखो जो ये है, ये शीशे के पास ही रहेगा, ये भी शीशे के पास है, ये भी शीशे के पास है, बहुत बढ़िया शाबाश। जरा देखते हैं भाई, अब जरा देखो भाई, अब जरा देखिएगा शाबाश। अच्छा जरा देखो, अब सारे के सारे तो ये है ना, जो वो ये है तुम्हारा, ये है देखो, ये अगर इस तरीके से जाएगा तो वो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये उस डायरेक्शन में आएगा, इसमें तो सीधी डायरेक्शन में नहीं आएगा। अब रहेंगे तुम्हारे पास तुम्हारे दो ऑप्शन, अच्छा अब दो ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। अब जरा देखो ये पार्ट को, देखो इस पार्ट को, जब ये जाएगा तो ये कहाँ रहेगा, देखो ये उस साइड जाके नीचे की तरफ रहेगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो जरा ये तो सीधा उल्टा बन रहा है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, तो फिर मेरा क्या रहेगा आंसर, सिर्फ सी। शाबाश भाई, जिसका सही है वो सबका सही है। अगला सवाल देखिएगा जरा, कितना बढ़िया सवाल है भाई, बताओ जरा निकाल के, 1 मिनट देता हूँ तुम लोगों को इस क्वेश्चन को करने की, जाओ ये लो बताओ जरा सारे के सारे निकाल के, शाबाश बताओ जरा शाबाश, इस सवाल को निकाल के बताओ शाबाश, इस सवाल को निकाल के बताओ शाबाश सारे के सारे भाई बहन, बताओ बताओ जरा शाबाश, क्वेश्चन नंबर 15 का, सॉरी 65 का कह रहा हूं, आंसर निकाल के बताओ जरा शाबाश। मोनिका का सबसे पहले आंसर आया सीसी कह रहे, क्लब काजल का भी सीसी आया आया, वो पिछले वाले का आ रहा आई थिंक, इस वाला इन्होंने नहीं किया। बताओ जरा शाबाश, एक बार सारे के सारे भाई बहन शेयर कर दो यार, बहुत कम शेयरिंग हो रही है आज, बहुत कम शेयर हो रहा है। और प्लीज अपना अपना, जैसे वीडियो खत्म हो जाए अपना अपना ओपिनियन रखा करो यार प्लीज, इस भाई हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट डाल दिया करो अपना अपना, कैसी आपको क्लास लगी बता दो, मेरे को भी सही लगे, जरा देखते हैं भाई। बताओ जरा शाबाश, मोनिका जागड़ा भी सी कह रही है, किसी का आंसर नहीं आया, जरा चेक कर लेता हूँ मैं, अब बताओ जरा देखो भाई, अमन बमल और चमन का भाई है, अमन है ना, अमन है जो मेरा, अमन भाई है, अमन है वो किसका भाई है, बमन और चमन का भाई है, चमन, अमन और बमन, अमन और बमन क्या है, अमन है वो भाई है किसका, बमन और चमन का, बमन है जो, बमन है जो एमली की माँ है, बमन है ना, बमन वह माँ है, किसकी माँ है, एमली की, एमली की माँ का नाम क्या, बमन है। फरहान अमन के पिता है, फरहान है जो अमन के पिता है, अमन के पिता का नाम क्या, फरहान, 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 फरहान लिख दिया मैंने। अब जरा देखना भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा रूप सत्य है, इसने कहा कि चमन और अमन भाई है, चमन और अमन, मैं देख के डायरेक्टली नहीं बता सकता कि चमन और अमन भाई है, मेरे को क्या पता, क्योंकि चमन का रिलेशन थोड़ी पता है मुझे, मैं नहीं बता सकता भाई, चमन और अमन का भाई है, क्या पता है या नहीं। बमन चमन की बहन है, बमन है, बमन है वह बहन है चमन की, बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है भाई, बमन है, बमन चमन की बहन है, बिल्कुल। अमन और एलिया भाई बहन है, ये बात भी सही है भाई, अमन और एलिया भाई तो है, देखो अमन और एलिया भाई बहन नहीं है, सॉरी ये भाई बहन कहाँ पे है, चमन पुरुष है, चमन पुरुष है, मेरे को थोड़ी पता है, क्या बात, मेरे को कन्फर्म थोड़ी है बात, सिर्फ क्या रह गया मेरा, बीबी आंसर रह गया, शाबाश, जिसने बीबी बोला उसका सबका आंसर क्या था, सही था भाई। अगला सवाल निकाल के बताओ जरा शाबाश, देखो भाई 33 का रिलेशन 121 के साथ है, 27 का रिलेशन इसके साथ है भाई, 81 के साथ है, तो 45 का रिलेशन किसके साथ होगा, निकाल के बताओ जरा शाबाश। दिख नहीं रहा, ऐसे कैसे बातें कर रहे हो तुम लोग भाई, दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, दिख रहा है भाई, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा बताओ बताओ शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, एक एक बच्चा आंसर बताएगा इसका क्या आएगा, बताओ। 1 मिनट दे देता हूँ तुम लोगों को, चलो तुम्हारी 1 मिनट भी दे देता हूँ, ताकि तुम लोग बता पाओ, जिससे लो
बताओ जरा। शाबाश, पहली बात थोड़ी सी हिंट ले लो, इससे स्क्वेयर दिख रहा है मेरे को तो, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वेयर आएगा। परफेक्ट स्क्वेयर सिर्फ 225 और 256 है, बाकी मेरे परफेक्ट स्क्वेयर है नहीं। तो रह गया क्या, बी और डी। अब आधो सूत्र है, तुक्का मारना चाहो तो इस पर तुक्का मार सकते हो। बताओ जरा बताओ जरा शाबाश, एक एक का कमेंट देख रहा हूँ। शाबाश बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। शाबाश, बी कह रहे हैं भाई, 225 सब बढ़िया, बी बी कह रहे हैं। देखो भाई क्या हो रहा है, चलो शाबाश, देखो भाई क्या हो रहा है, देखो बहुत बढ़िया, 225 कह रहे हैं। देखते हैं भाई, देखो एक काम करो, उसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 से जैसे ही डिवाइड करोगे 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा। 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 निम्मा 27, 9 का स्क्वायर कैसे आएगा। 3 से तोड़ लो भाई, 3 से तोड़ लो, 15, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। यार ये लो यार, क्या था सवाल में, क्या गया तुम्हारा, ये बी ऑप्शन खत्म। अगला सवाल देखिएगा, बैड का कोड 122 है, कैब का कोड 37 है, और ऐड का कोड क्या होगा, निकाल के बताओ जरा। शाबाश बताओ भाई, बताओ जरा शाबाश, सारे के सारे भाई बहन निकाल के बताओ, ये तो करवा रखा है। शाबाश बताओ, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। सर आप पर क्लास लोगे, ऐप पर क्लास, ऐप पर, अरे हो चुकी क्लास भाई ऐप पे तो। सर यही क्वेश्चन आए हुए के क्या, हाँ सी एच एस एल में यही क्वेश्चन आए थे भैया, सी एच एस एल में यही क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा शाबाश। देखो भाई नंबरिंग देना शुरू कर दो सारे के सारे, बी आता है मेरा 2 पे, ई आता है मेरा 5 पे, और डी आता है मेरा 7 पे, सॉरी 4 पे। 5 और 4 9 और 2 11, 11 का कर दिया मैंने स्क्वेयर, 121 आ गया। 121 में कर दिया मैंने एक ऐड, तो कितना आ गया मेरा 122। तो कैब में भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा, जरा देखो जरा। सी आता है मेरा 3 पे, ए आता है मेरा 1 पे, बी आता है मेरा 2 पे, 3 और 3 6, 6 का स्क्वेयर कर देंगे 36, प्लस में एक ऐड कर दो 37 आ गया। देखो जरा 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वेयर इक्यासी, इक्यासी में एक ऐड कर दो 82 खत्म। क्लियर होगी बातें, शाबाश। सर यही क्वेश्चन की आया हुआ था सीएचएसएल एग्जाम में, अरे सीएचएसएल की ही शिफ्ट है बेटा ये, 2022 की सॉल्यूशन करवा रहा हूँ सारी शिफ्टों के। बताओ ये कह रहा है कि 4 के आसान फलकों पर क्या आ सकता है, यानी कि 4 के आसान फलकों पर क्या आ सकता है, यानी कि पहले तो ये देखो 4 का अपोजिट क्या है, बस वो नहीं आना चाहिए, बाकी सारी आ सकती है, मैंने ये बता रखा है। ये सीएचएसएल की शिफ्ट है भाई सारी की सारी, ठीक है। सी एच एस एल 2022 में जो हुआ था उसका सारा सारा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ये शायद है, ये है 13 तारीख शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन, 13 तारीख सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन है ये। पहले तुम ये देख के बताओ कि 4 का अपोजिट क्या क्या आ सकता है भाई, 4 का अपोजिट क्या क्या आ सकता है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। सर देखो 4 का अपोजिट आ सकता है मेरा, देखो 3 और 5 कॉमन है सर, 4 का अपोजिट 7 आ सकता है, यानी कि 7 का पेयर नहीं होना चाहिए बाकी किसी का पेयर हो, 7 का पेयर ना हो बाकी चाहे किसी का भी पेयर हो, ठीक है। अच्छा ले लिया करूंगा पूजा, बताओ जरा 7 का पेयर इसमें आ रहा है ये मेरा आंसर नहीं होगा, 7 का पेयर इसमें आ रहा है ये मेरा आंसर नहीं होगा, 7 5 ये मेरा पेयर है ये नहीं होगा, बताओ जरा। तो रह गया क्या मेरा, 3 ऑप्शन रह गया। शाबाश भाई सी ऑप्शन आएगा, याद रख लेना ये बात, बहुत बढ़िया। अब अगला बताओ जरा निकाल के, बताओ बताओ शाबाश, नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। शाबाश देखो, दीपक सर हमारे साथ आए हैं, आ जाओ सर, आ गया एक बार आओ तो सर। देखो अचानक आने से मना कर दिया सर ने, बताओ जरा शाबाश, आपको एक नेक्स्ट फिगर बताना है, बताओ। यहाँ पे जरा देखना भाई, ये ऊपर की तरफ है, ये जस्ट इसके नीचे की तरफ आ गया, जस्ट प्लेस वैल्यू बदल रही है यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पर चला जाएगा, फिर अब ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए मेरे। अब आओ जरा इसकी प्लेस वैल्यू देखो, इसकी प्लेस वैल्यू, ये जस्ट इसके ऊपर आ गया अगला प्लेस, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर अब लास्ट वाले तो यहाँ पर आना चाहिए, इसमें तो नहीं आ रहा, सिर्फ ए में आ रहा है, बताओ जरा। शाबाश, क्लियर होगी बातें। 69 का क्या आएगा भाई, ए आएगा। अगला सवाल बताइएगा जरा, 3 4 7 11, ये मैंने इतनी बार करवा रखा है, जिसने सीरीज कर रखी है मेरे से
जैसे एप्लीकेशन पे भी ये करवा रखा है मैंने सवाल। बताओ जरा शाबाश, बताओ अगला सवाल का आंसर क्या आएगा। शाबाश बताओ बताओ बताओ, शाबाश बताओ। 3, 7, 11, 3, 7, 11, 18, 29 बताओ। देखो भाई क्या रहा है, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 और 11 कितना हो गया 29, 29 और 18 कितना हो गया 47, 47। इनका सिर्फ एडिशन तो कर रखा है, अगला प्रोडक्ट आ गया, इसका एडिशन करके अगला प्रोडक्ट आ गया, इसका एडिशन करके अगला प्रोडक्ट आ गया, इसका एडिशन करके अगला प्रोडक्ट आ जाएगा। ये बढ़िया सवाल है भाई, CHSL का सबसे बढ़िया सवाल ये माने जाते हैं भाई। बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ शाबाश। चलो उसके लिए मैं तुमको वाक्य में 1 मिनट दे रहा हूँ, कोई बच्चा सोल के अगर मेरे को बता दे सोल करके तो मैं मान जाऊंगा। बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ भाई बताओ शाबाश। बताओ जरा शाबाश, बताओ भाई बताओ, कमेंट दिखा दो एक बार, बताओ जरा शाबाश। CHSL के लिए बेनिफिट रहेगी क्या क्या क्लास? बिल्कुल रहेगी भाई, जब CHSL 2022 का ही तो सोल्यूशन चल रहा है, इस पे किसी और का थोड़ी चल रहा है। 1, 2, 3 मैंने कहा कि कभी भी इस टाइप की सीरीज आ जाए तो नंबरिंग काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18 है भाई। तो एक काम करो, 18 है तो एक काम करो, 6, 6 के पेड़ पे तोड़ दो, 6 का पेड़ यहाँ पे, देखो 6 का पेड़ यहाँ पे, 3 और 3, 6 का पेड़ यहाँ पे, 6 का पेड़ यहाँ पे, 6, 6 के पेड़ में मैंने सारी चीजें तोड़ दी हैं। अब जरा देखो, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बार डब्लू आया, यहाँ पर 2 बार डब्लू आया है, यहाँ पर 3री बार डब्लू आया है भाई, यानी कि फिर यहाँ पर एक वाई आना चाहिए, डब्लू एक्स वाई। फिर यहाँ पर जरा देखना, 2 बार डब्लू आया है, फिर डब्लू 2 बार क्या आना चाहिए तुम्हारा, एक्स आना चाहिए, डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई। अच्छा जरा फिर क्या आएगा भाई, जरा देखना, फिर यहाँ पर भी वाई आना चाहिए, देखो 2 बार डब्ल्यू आ गया, 2 बार एक्स आ गया, 2 बार वाई आ गया, अब 3 बार डब्ल्यू आ गया, 3 बार एक्स आ गया, तो 3 बार वाई आ जाएगा। ये सीरीज थी भाई, कितनी आसान सी सीरीज थी बताना जरा, वाई डबल एक्स, वाई डबल एक्स, वाई डब्ल्यू एक्स वाई, ये ऑप्शन आ गया। बताओ जरा शाबाश, आ किसी के दिमाग में, बड़ी ये बात किस तरीके से भी बन सकती है सीरीज, बताओ जरा, बढ़िया सवाल था ना ये, बताओ जरा शाबाश। अगला सवाल निकाल के बताओ क्या आएगा, शाबाश बताओ जरा शाबाश, अगला सवाल निकाल के बताइए सारे के सारे भाई बहन, शाबाश। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए, फाल्को, हिमांशु, निशा, काजल, बिजिंदर, पूजा, मोनिका, मोनिका जांगड़ा, ये बेटे अपने अपने कमेंट डाला करो भाई, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डाल दिया करोगे अपने जैसे भी कमेंट डाल दिया करो बच्चे, ठीक है काजल, सारे के सारे कमेंट जरूर डाला करो, आपके कमेंट मैं जरूर रीड आउट करता हूँ और टेक्निकल टीम भी रीड आउट करती है। ये वो क्या था, फीडबैक सा होता थोड़ा सा। ए से क्या हो गया, बी 1 बढ़ गया, टी आता 20 पे 22 हो गया, यहाँ पे 3 बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ गया, तो सेम इट इज 1 बढ़ा दो, वाई से जेड आएगा भाई, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देखो पूरा सोल्व भी नहीं करना मेरे को, एक फिर भी मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ, एम 13 पे ओ बढ़ा दो 15, यहाँ पे 15 और 3 18, 18 पे आर आएगा, यहाँ पे जरा 4 बढ़ाना, 21, 21 और 4, 25 वाई आएगा भाई, सॉरी। ठीक है भाई, इंतजार मलिक, डाल दिया करोगे कमेंट अपने, बताओ जरा शाबाश, अगला सवाल निकाल के बताओ, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा। अगला सवाल तुमको दिया है 743 R 635, इसका आंसर क्या आएगा निकाल के बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा, बताओ बताओ शाबाश। बताओ जरा शाबाश, सारे के सारे करके बताओ जरा,
बताओ जरा, लगा के दिखाओ। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो 50-50 क्वेश्चन की। एक दिन मैं कंसेप्चुअल क्लास लेके आऊंगा, एक दिन बेसिक, एक दिन यही। देखो कल क्या होगी, बेसिक की क्लास होगी, कल चैप्टर बता दो कौन सा करवाऊंगा वही करवा देंगे। बताओ कल एक काम करता हूँ, मैं कल नंबर सीरीज करवा देता हूँ, नंबर सीरीज का बेसिक और क्वेश्चन, बस 70 क्वेश्चन करवा देंगे, 50-60 क्वेश्चन करवा देंगे, और 50-60 बेसिक करवा देंगे दोबारा, बेसिक करवा देंगे थोड़ा थोड़ा। देखो 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 3 से 3 जाएगी 0, 7 से जाएगा 104, 104 का डबल है, देखो पाउंड का डबल है, सही है। अब जरा घटाना भाई, 8 से 2, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, 7 7 से 1 जाएगा, 7 से 1 जाएगा, 8 से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, जरा यही 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, 692 होता ना, 2 और 2 4, 9 और 2 11, 6 7 1 8, ये इसका डबल है भाई, बिल्कुल है। अब इसको घटाओ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 2 312, 312 कैसे आएगा, किसका डबल होता, हाफ कर दो। आप बोलोगे 156 का डबल होता है सर, 156 आ जाएगा, है क्या कहीं ऑप्शन में, और तो ऑप्शन खत्म इस तरीके से। बताओ जरा शाबाश, कह रही है सर कल मेरा CHSL का एग्जाम था, सेम क्वेश्चन आए हुए थे एक बार, यही बेटा जब वीडियो खत्म हो जाए ना मोनिका झागड़ा, तो कमेंट में डालना यही बात, इस माई हम्बल रिक्वेस्ट। बताओ जरा शाबाश, आपसे पूछा कि पांचवें प्लेस पे क्या आएगा, जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए इस माई हम्बल रिक्वेस्ट मोनिका झागड़ा, तो एक बार जरूर डालना इस कमेंट को बच्चों, ताकि देख पाए कि हम रिलेवेंट ही, मैं रिलेवेंट ही पढ़ाता हूँ हमेशा, कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आते हैं वही सवाल मैं करवाता हूँ। जो CHSL दे के आएगा वो पक्का बता देगा कि सर देखो इस तरीके के सवाल आए थे सारे के सारे, ठीक है। बताओ जरा शाबाश, सेम क्वेश्चन आए हुए थे, मैं बता लग रहा ना, सेम के सेम कराता हूँ मैं बढ़िया तरीके से, मैं कह रहा हूँ एक एक चीज में कंसेप्चुअल क्लियर करते चलता हूँ, मैं जो पढ़ा दूंगा ना भाई वही आएगा। तो ये पूछ रहा है आपको पांचवें स्थान पर क्या आएगा, अरे पांचवें स्थान पर क्या आएगा भाई, पांचवा स्थान तो तुमने दिया ही नहीं, चार ही ऑप्शन तो दिए तुम लोगों ने, बताओ जरा पांचवा तो क्वेश्चन ही आंसर ही दिया तुमने, पांचवा स्थान में बच्चे बताएंगे कैसे, गजब बच्चे हैं यार। बताओ जरा एक और लिख लेना भाई, रैक लिख लिया तुमने, मैं लिख रहा हूँ, चलो रैप आएगा एक, रैप और लिख लेना, रैप क्या लिख लेना, रैप लिख लेना, रैप रैप और आएगा, WRAP, रैप रैप और लिख लेना, रैप कौन सा पांचवे पे, बताओ जरा कौन से पे आएगा, तीन तो है एज पर डिक्शनरी सर, सही है ऑप्शन 4 ही है। बताओ बताओ सब सर सबसे बाद में रहता है, जरा देखो इनमें सबसे चौथे, देखो डब्लू आर तो सब में कॉमन है, डब्लू आर डब्लू आर डब्लू आर डब्लू आर, ए बी सब में कॉमन है, ए बी सब में कॉमन है। अब जरा देखो भाई, पहले सी आएगा, सी आएगा, फिर एन आएगा, एन आएगा, नहीं पहले ए आएगा ना, ए फिर सी फिर एन, फिर तुम्हारा एस आएगा, फिर टी आएगा, रेथ आएगा, WRATH रेथ आएगा पांचवे पे, क्योंकि टी सबसे लास्ट में आता है, टी सबसे क्या आता है बच्चे, लास्ट में आता है। मोनिका बेटा तुम बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए भाई, होमवर्क है तुम्हारा। अगला सवाल बताओ जरा मोनिका, बताओ बच्चे यही सवाल आए हुए थे सारे के सारे, टिक को टिक, इन्हीं चैप्टर से सवाल बने थे ना सारे के सारे। मैंने ना यूट्यूब पे भी एक स्ट्रेटर्जी वीडियो डालनी है अभी, स्ट्रेटर्जी वीडियो की कैसे पढ़े एक्चुअली उसको लेके, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो भाई, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप लोग भी कर सकते हो अपनी तैयारी को मुकम्मल एक अच्छे तरीके से। बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, नमस्ते भाई नमस्ते, बताओ बताओ शाबाश। देखो भाई ये कह रहा है कि सेम जैसा रिलेशन इनका है तो सेम रिलेशन किसका होगा भाई नीचे की तरफ, बताओ जरा, ये लो बाद में बोलोगे दिख नहीं रहा था, लो बताओ बताओ शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, सारे के सारे भाई बहन बताओ जरा निकाल के। सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा यार, तनु गोड़ कह रही है भाई, पता नहीं देखो इसमें तो मेरे को कुछ नहीं पता, HSLC बोर्ड से कॉन्टेक्ट कर लो, कल तो पेपर ही है फिर। 6 का स्क्वेयर कितना है भाई, 36, 4 का स्क्वेयर कितना है 16, तो जोड़ दो भाई इनको कितना आ गया 52, 52 का आधा कितना होता है 26, जो कि तुमको आगे दिया है, ठीक है। तो सेम इट इज 49 49, 58 होते आधा दिया है, तो देखो जरा 6 का स्क्वेयर 36, 2 का स्क्वेयर 40, सॉरी 2 का स्क्वेयर 4, 40 आ गया, 40 का आधा कर दो कितना आएगा भाई 20, बताओ बताओ शाबाश।
कोई फोन नहीं उठा रहा। भाई तुमको जाना पड़ेगा फिर, और क्या बताऊं भी। अगला सवाल निकाल के बताओ, क्या दिया भाई तुमको? क्वेश्चन पढ़ो जरा फिर बताओ। बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जीमेल भी है क्या? जीमेल भाई मेरे को नहीं पता, शायद HSSC की वेबसाइट पे जाओ, पक्का जीमेल मिलेगी भाई। क्यों जानता हो तो भाई को बता दो एक बार, बहुत ज़रूरी है भाई की लाइफ का सवाल है। बताओ जरा। हाँ जी सर, यही क्वेश्चन आए हुए थे, ओनली एक क्वेश्चन नहीं था जो आपने करवाया है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बाकी सारे वही क्वेश्चन थे। एक बार कमेंट बॉक्स में यही कमेंट ज़रूर डालना भाई, यही कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि सर आपने जो करवाया था वही आ रहा है। बाहर कर लो तैयारी, इनकी CET एपिसोड खत्म ना हो रहे। बताओ जरा, इंतजार मलिक सबके आंसर सही है। ये क्या कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, यानी कि इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको 2x मान लेता हूँ। इनकी आयु का गुणनफल दिया 160, इनको जोड़ना गुणा करना भाई, 5 × 10 x2। ठीक है, यहाँ पे 160 आ गया, 0 से 0 काट लो, x2 की वैल्यू 16, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब जैसे ही हमारी x की वैल्यू 4 आ गई तो तुमसे किसकी पूछी है? पिता की। पिता की तो 5x थी, 5 × 20, खत्म। बहुत बढ़िया, शाबाश। इंतजार मलिक कहाँ से पढ़े हो भाई? बहुत बढ़िया पढ़ कर रहे हो शाबाश। काजल कहाँ से पढ़ते हो बच्चे? हैं, बहुत बढ़िया कर रही हो तुम तो, शाबाश। अगला सवाल निकाल के बताओ भाई, बताओ जरा शाबाश, एक सवाल बताओ जरा शाबाश निकाल के। बहुत बढ़िया, मुन मुन, नमस्ते सर, मुन मुन, नमस्ते बच्चे मुन मुन, कैसे हो बेटा? शाबाश, बताओ जरा एक एक क्वेश्चन निकाल के बताओ, बताओ। बताओ जरा शाबाश, सारे के सारे निकाल के बताओ, बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे तो। बताओ जरा शाबाश, लो भाई निकाल के बताओ, बताओ जरा शाबाश, ये लो भाई, जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। सर दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा भाई? दिख क्यों नहीं रहा? दिख तो सबको रहा है, ऐसे बातें मत करो बच्चा, दिख नहीं रहा। बताओ जरा शाबाश, ब्राइटनेस कम करो, तो ब्राइटनेस कम करने का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। बताओ जरा मेरे पास, अच्छा वहां से मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ये सही है, शाबाश। मेरे ख्याल से अब सबको दिखना चाहिए भाई, मैंने ब्राइटनेस भी कम कर दी है, मैंने ब्राइटनेस को कम कर दिया है, अब मेरे ख्याल से सबको दिखना चाहिए। देखो काजल बेचारी अंधेरे में पढ़ रही है फिर भी निकाल रही सारे आंसर। देखो जमा को कहा जाए विभाजित, यहाँ पे जहाँ जमा है, जहाँ पे जमा है वहां पर आएगा भाग। ठीक है, घटा का अर्थ क्या है? जोड़। घटा का अर्थ क्या है भाई? जोड़, यहाँ पे जोड़ आएगा। ठीक है भाई, अब जरा देखना भाई, गुणा का अर्थ है घटाना, यहाँ पे आएगा घटा, गुणा का अर्थ है घटा। ठीक है भाई, अब जरा देखना भाग का अर्थ से है गुणा करना, यहाँ पे गुणा आएगी, इसको सोल्व करना भाई सारा का सारा। जहां भाग है, जहां भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है गुणा करना, ये भाग है ना, इसको कर दो तो गुणा। ये सारी इक्वेशन सोल्व करनी है भाई, सबका आंसर 2-2 आ रहा है, 2-2-2-2, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब जरा देखना भाई, 18 से 16 जाएगा, 2 बचेगा, 5 × 10 सही है भाई, 5 से 1 जाएगा तुम्हारा, 4 बचेगा, सही है भाई। अब जरा देखना, पहले ये जुड़ेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट सोल्व होता है ना, 5 और 2 10 और 2 12, 10 और 2 12, ठीक है भाई, 12 तो 4, देखो 10 और 2 12, 10 और 2 तुम्हारा कितना हो गया? 12, 12 को भाग लगाना भाई 4 से, 4 × 3 = 12, भाग को क्या कहा गया है? घटा तो नहीं कहा, जमा को घटाइए, जमा है ना घटा, तो 3 से 1 की जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ती ऑप्शन। बताओ जरा शाबाश, क्वालिटी बढ़ा दो, क्वालिटी यार बढ़ा तो दी क्वालिटी, और कितनी बढ़ाऊँ, ये इन्होंने बढ़ा रखी जो बढ़ा रखी। बताओ जरा शाबाश, अगला सवाल बताओ जरा, एनालॉजी का सवाल है, एनालॉजी का, JMP का रिलेशन HON के साथ है, तो ADG का रिलेशन किसके साथ होगा? निकाल के बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा शाबाश। सर जी सुन लो, दिखाई नहीं दे रहा यार भाई, बजिंदर कौर कह रहे हैं, बजिंदर भाई देखो अब तो दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था लेकिन अब तो दिख रहा होगा, सबको ही दिख रहा होगा, शाबाश। बताओ जरा, और बैड टेस्ट कम कहोगे तो मैं और कर दूंगा यार, कितनी बैड टेस्ट मैंने कम कर रखी है, ये लो भाई मैं और ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ कि आप सबको दिखे, इससे ज्यादा फिर तो नहीं दिखना चाहिए। देखो विजेंद्र भाई सबको दिख रहा है,
एक बार ये बताओ स्क्रीन सबको विजुअल हो रही है, सही से दिख रही है भाई? इससे कम क्या दिखाऊं भाई मैं, और तो काला ही दिखने लग गया, मैं खुद ही काला दिखने लग जाऊंगा, और तो क्या था? बताओ जरा, अब सही विजुअल हो रहा है? बताओ जरा, शाबाश। जरा देखो भाई, जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, एच आता है 8 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे। यहाँ पे दो कम हो रहा है, यहाँ पर दो बढ़ रहा है, यहाँ पे दो कम हो रहा है, यहाँ पर फिर क्या कर दो भाई, दो कम कर दो। दो जैसे ही कम करोगे, 27, 27 से दो कम करोगे तो 25 पे आ जाओगे, 25 पे आता है वाई, एक ही ऑप्शन है, बाकी बढ़ा लेना। क्लियर होगी बातें? क्लियर होगी डी ऑप्शन? सर जी पेन का कलर चेंज कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समीर खान पेन का चेंज भी कलर कर लेता हूँ, पेन का, पेन का ठीक है, पेन का भी कर लेता हूँ मैं। बताओ जरा, बताओ जरा, शाबाश, सबको दिख रहा है एक सवाल, ये लो, एक सबसे ब्लैक सही रहेगा, बताओ जरा, शाबाश। ठीक है रीना, अभी आओ ना, पढ़ो बच्चे, शाबाश, बताओ जरा, बताओ बताओ शाबाश, सारे के सारे भाई बहन निकाल के बताओ जरा, बताओ जरा, शाबाश, ये सर, अब ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब सही होना चाहिए, सवाल कर लो बस तुम लोग, बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, बताओ बताओ, सारे के सारे भाई बहन करके बताओ जरा, रितु ताक आ गया, मैं सर रितु शेयर करके आओ जरा, शाबाश बेटा। ठीक है भाई, इतने भाई देख रहे हो तुम, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए सब अपना अपना कमेंट डालना, और बच्चे जो आपका नाम था और गुड़िया कह रही थी कि हाँ ये आए थे, वो पक्का डालना अपना, ताकि और बच्चों को भी यही पता लगे कि हाँ जो पढ़ा रहे रिलेवेंट आ रहा है। रमेश आयुष के भाई है, रमेश राम है, जो राम है वो भाई है, राम भाई है, राम भाई है, किसके भाई है, आयुष के। चलो मेरे यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। अब जरा देखो, मैं आयुष, देखो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आयुष के बारे में जिक्र, यहाँ पे है आयुष सविता के पति है, आयुष है वो पति है, आयुष क्या है बच्चे, पति है, आयुष क्या है, पति है, किसका पति है भाई, सविता का पति है, सविता, ये रही सविता, सही है, आयुष सविता का पति है। दुर्गा जिग्नेश की पत्नी, मेरे को नहीं पता, मैं एक बार देख लेता हूँ, अब जरा और चेक कर लेता हूँ मैं, राम के बारे में कहीं जानकारी है, देखो राम के बारे में जानकारी है, जिग्नेश राम के पिता है, जिग्नेश है जो, जिग्नेश, जिग्नेश वो पिता है, किसके पिता है, राम के पिता है। अब जरा जिग्नेश के बारे में कहीं बात हो रही है, देखो ये रहा, दुर्गा जिग्नेश की बेटी है, जिग्नेश की बेटी का नाम क्या है भाई, दुर्गा, ठीक है। सीता जिग्नेश की पत्नी है, सीता पत्नी है भाई, सीता क्या है, पत्नी है किसकी, जिग्नेश की, अब सही हो गया। अब तुमसे पूछ रहा, अभी सविता से कोई पूछ रहा है, सविता से कोई पूछ रहा है, क्यों, सविता इसकी पत्नी है भाई, सविता से पूछ रहा है भाई, बताओ दुर्गा तुम्हारी क्या लगती है, कि ननंद नहीं लगेगी, ननंद नहीं लगेगी क्या, सिस्टर इन लॉ नहीं लगेगी, इसको सिस्टर इन लॉ ही बोलते ना, बताओ जरा, अगला सवाल बताओ जरा, ये बढ़िया सवाल है भाई, लो पूरी की पूरी क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना कि भाग कहाँ पे आ रहा है, पूरी की पूरी क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस भाग आ रहा, तो ये देखो भाग कहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी मेरी ज्यादा है, शाबाश, बताओ जरा, शाबाश, बताओ जरा, शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, शाबाश, देखो जरा पहले क्या करो, पहले ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन उठा लो, मैं यहाँ पे भाग लगा रहा हूँ, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे गुणा, 2 8 24, 8 3 24, 6 6 24, बराबर आ गया, पहले ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए ही क्या है मेरा सही है, बस मेरे को यही तो देखना था, चेक तो यही करना था, बताओ जरा, शाबाश। अगला सवाल आप लोगों को निकाल के बताना भाई, अगली सीरीज क्या आएगी, शाबाश, सीरीज का अगला पद आप लोगों को निकाल के बताना है, शाबाश, बताओ जरा, ये तो मेरे ख्याल से गुणा वगैरह दिख रही है मेरे को, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ, संदीप कापड़ो, नमस्ते सर, नमस्ते भाई, यही आएगा सर, ठीक है शाबाश, कोई नहीं, बताओ जरा,
देखो, नौ एकम नौ प्लस में एक 10 आ गया, 10 दूनी 20 प्लस में 2 22 आ गया, 22 दिया 66 प्लस में 3 69 आ गया, 69 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौका 36 प्लस में 4 आ गया। अब यहाँ पे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से प्लस में 5 करना पड़ेगा, 8 5 40 5 2 10 4 1400, 1400 प्लस में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1405 आ जाएगा। सही है भाई, सबका आंसर सही है, डी सबका आंसर क्या है, सही है। अगला देखिएगा जरा, शाबाश। अगली सीरीज आप लोगों को, फिर से एक सीरीज का सवाल आ गया, सीरीज आप लोगों को निकाल के बतानी है, निकाल के बताओ जरा, शाबाश। बताओ जरा, शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ। बताओ जरा शाबाश। यहां पे तुमको दिख रहा है भाई, गैप ले लो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है 1 बढ़ रहा, यहाँ पे 4 बढ़ रहा, यहाँ पे 9 बढ़ रहा, यहाँ पे तुम्हारा कितना बढ़ रहा, 16 बढ़ रहा। अब यहाँ पे 25 ना बढ़ जाएगा क्या सीधा सीधा, बताओ। स्क्वेयर ना बढ़ रहा, स्क्वेयर नहीं बढ़ रहा, बताओ जरा माही गुज्जर, समझ में आ गई बातें। ये देखो कितना बढ़िया सवाल है, बताओ जरा शाबाश। मैं पूरी की पूरी आपको 1.5 मिनट देता हूँ सवाल के लिए, जरा शाबाश करके बताओ। चलो मैं पूरी की पूरी 2 मिनट ही दे देता हूँ तुमको, लो करके बताओ जरा शाबाश। बताओ जरा, बताओ जरा शाबाश। बताओ बताओ शाबाश। दीपक सरगुरु जी, मुझसे नाराज हो आप, मेरा किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, गलती होगी तो माफ कर दिया। अरे दीपक गरेवाल भाई तो भाई है यार, देख लो सर कैसे कैसा अपना छोटा भाई ये बात कह रहा है। देखो जरा, जैकिब कैरोलिन के चाचा है, जो देखो जैकिब है ना वो कैरोलिन, कैरोलिन के कोई पिता होगा भाई, कैरोलिन के कोई पिता होंगे, और पिता के भाई का नाम क्या है, जैकब है, जैकब जैकब। वैसे फास्ट एंड फ्यूरियस के 9 में जॉन सीना का नाम था जैकब एरन। देखो अब जरा देखो, कैरोलिन और जैकब के बारे में कहीं बात हुई है, देवरा जिल कैरोलिन की माँ है, कैरोलिन की माँ का नाम क्या है भाई, जिल है। या जिल कैरोलिन ने जैकब के बारे में कहीं बात हुई है, जरा देखना भाई, देखो जरा ये रहा, कैरोलिन डेविड की पत्नी है, कैरोलिन की पत्नी, कैरोलिन पत्नी है, किसकी पत्नी है भाई, वो डेविड की। ये लो भाई, क्या डेविड कैरोलिन और जिल जैकब के बारे में और कहीं पे बात हुई है, आप बोलोगे जरा। देखो जिल के बारे में हुई है, जेरिल कैरोलिन की माँ है, देखो ये कह रहा है एरन और जैक जिल के भाई है, एरन और जैक, एरन और जैक, एरन और जैक जिल के भाई, जिल के भाई का नाम क्या है, एक तो एरन है और एक क्या है, जैक है। ये किसके भाई है, जिल के भाई है भाई, दोनों के दोनों एरन और जिल जैक के भाई है। और कहीं पे बात हुई है भाई, नहीं हुई है। तो जरा तुमसे क्या पूछा अभी, एरन का, एरन का अच्छा, मैरी इज मदर ऑफ जैकब, मैरी है वो माँ है, मैरी माँ है, मैरी क्या है, माँ है, किसकी माँ है, जैकब की माँ है, ठीक है। मेरे से ये पूछा है, अब मेरे से क्या पूछा भाई, कैरोलिन कैरिन है जो, कैरिन कैरोलिन कैसे रिलेट है एरोन से, कैसे भाई उसकी क्या लगती है, कैरोलिन भतीजी लगती है, तो नीस बोलते हैं ना इसको, भतीजी बोलते हो आप लोग इंग्लिश में, भतीजी बोलते हैं ना, भतीजी लगेगी, वैसे तो भांजी होती है एक्चुअली, भतीजी इन्होंने वैसे दे दिया, दे दिया तो अब क्या बोले,
बताओ जरा, बताओ बताओ। शाबाश, ठीक है। एरोन एंड जैक आर ब्रदर ऑफ जिल, ठीक है, शाबाश। अगला सवाल आप लोगों को सेम सवाल दिया भाई, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 निकाल के बताओ, शाबाश। बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा शाबाश, बताओ भाई, बताओ शाबाश। पहले देख लो भाग कहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है। भाग पहले पे आ सकता है, दूसरे पे भाग आ सकता है, तीसरे पे नहीं आ सकता है, चौथे पे नहीं आ सकता, पांचवे नहीं है। पहले दूसरे पे भाग कितने ऑप्शन में है? पहले पे, इस पे भाग है, इस पे भाग है, इस पे भाग नहीं है, सेकंड पे ना, इस पे भाग है। अच्छा पहले पे भाग, इस पे। और चेक करते हैं भाई, यहाँ पे कर लेते हैं भाग, यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, मैं बी ऑप्शन उठा रहा हूँ। यहाँ पे जमा, यहाँ पे बराबर, और यहाँ पर फिर जमा। जरा देखना भाई, 6 चौका 24, 4 3 12, 12 4 16, 10 और 6 16, 16 बराबर आ गया, तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी अगला सवाल देखिएगा जरा, सवाल क्या है भाई? शाबाश, बताओ भाई। देखिएगा आप सवाल आराम से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। सीधी सी बात है भाई, पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 40% पासिंग मार्क्स है भाई। एक व्यक्ति ने क्या किया, 80 तो अंक मिले और 20 नंबर से बंदा फेल हो गया। जरा एक बताओ, तुमको 80 मिले और 20 से तुम फेल हो गए, तो सीधी सी बात है पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए, है ना? और परसेंटेज में उसकी वैल्यू 40 दे रखी है। 100 की वैल्यू अगर 40 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पूरी पूरी 250। तो पासिंग मार्क्स अधिकतम मार्क्स कितने थे भाई? 250 थे। क्लियर होगी बात? अगला सवाल फिर से देखिएगा, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा शाबाश। कितना बढ़िया सवाल है, सीरीज बहुत बढ़िया दी है इसने। अगली सीरीज आप सब लोगों से पूछा कि क्या आएगी सीरीज का आंसर, बताओ जरा शाबाश, बताओ भाई, बताओ शाबाश। बताओ बताओ शाबाश, एक बार कमेंट दिखाना सर। बताओ बताओ भाई, बताओ शाबाश। बताओ बताओ शाबाश, बताओ जरा। सही है भाई सबके, बताओ। 280, 288 जो भी कह रहे हो, देखो 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 चौके देख रहा, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288 सीधा राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, सबका आंसर सही है भाई। तुमसे पूछा भी अगली आकृति क्या आएगी क्वेश्चन नंबर 14 पे, बताओ जरा अगली आकृति क्या आएगी, बताओ जरा शाबाश। देखो एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, इस तरीके से देख लो, या फिर इस तरीके से देख लो कि रोटेशन किस तरीके से की गई है, बताओ जरा। डी ऑप्शन कह रहे हैं अंकित ठाकुर, बता दे। शाबाश, ठीक है, मोनिका जांगड़ा देख लेते हैं बच्चे। पहले जरा देखो, इसको उठाओ, देखो पहले इसको इसको रोटेट करो इस डायरेक्शन में उल्टा, तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया, तो इसको एक और पायदान नीचे लेके जाओ, फिर अब यहाँ पे आएगा ब्लैक, जो भी आएगा पायदान नीचे की तरफ आएगा ब्लैक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलो जरा अब एक बात बताओ, अच्छा चलो ये व्हाइट वाला, जो भी ये व्हाइट वाला है, ये इसके आगे आगे रह रहा है, तो अब यहाँ पे आएगा व्हाइट वाला, जो भी आएगा ऊपर की तरफ आएगा, है ना, आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ सिर्फ डी ऑप्शन में है, इसमें तो पीछे की तरफ है, ये तो नहीं आएगा, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा। आपसे पूछी है मिरर इमेज, आप लोगों से पूछी है मिरर इमेज, शाबाश 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 शाबाश, बताओ भाई। मिरर इमेज आप लोगों से पूछी है,
बताओ जरा शाबाश, जरा देखो ई को उल्टा लिखो, देखो ई इस तरीके से दिखेगा, इसमें तो डी है, इसमें ई इस तरीके से दिख रहा है, इसमें ई इस तरीके से, ई देखो ई इस तरीके से दिखना चाहिए, नो बरगा ये तो नहीं है। जरा देखो एन, एन उल्टा, आई उल्टा, टी उल्टा, एन उल्टा, अब जरा देखो भाई ए आएगा, डी थोड़ी आएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी तुम्हारा कट गया, ए ऑप्शन रह गया। अगला सवाल बताओ जरा, क्वेश्चन कर लोगे शाबाश, ये बताओ जरा। बताओ जरा शाबाश, देखो अरे यार सही हो जाओ भाई, सही हो जाओ, ठीक चलो शाबाश, बताओ जरा, बताओ बताओ शाबाश, बताओ भाई बताओ, बोलो सर क्लास कितने टाइम की और है, मेरी ऐप पे क्लास है बच्चे, अभी तो कम से कम ये लगा दो 8 सवाल और रह गए हैं, आई थिंक 8 ही नहीं तो 4 5 तो रह गए हैं, बताओ जरा शाबाश, नहीं तो 50 सवाल थे एक्चुअली, बताओ जरा शाबाश, बताओ बताओ बताओ। देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई बिंदु तक पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चला। देखो मैं बता रहा हूँ, एक्स है जो, यहाँ से एक्स को चलाना शुरू करो, वो क्या कह रहा है कि 20 मीटर गया वो वाई तक दक्षिण दिशा की ओर, यहाँ दक्षिण दिशा इस साइड होती है, तो ये एक्स से चला और वाई पे पहुंचा, कितने पे भाई, 20 पे, सही है। अब आगे मैं पढ़ता हूँ, वह अपने बाएं पे मुड़ा, बाया मतलब होता लेफ्ट, बाया मुड़ा, देखो बाया बाया मुड़ा लेफ्ट, और वो जेड की तरफ गया भाई, और वो कितना गया भाई, वो 25 गया, तुम्हारा 25 गया भाई, सही है, और कहाँ पे पहुंच गया, जेड पर पहुंच गया, फिर वो उसके द्वारा फिर पुनः बाया मुड़ा गया यानी ऊपर की तरफ, और वो 20 मीटर चला, अब वो कहाँ पे पहुंच गया भाई, तुम्हारा पी पे पहुंच गया, फिर वो कह रहा है कि तुमसे क्या पूछा है भाई, उसने पूछा बिंदु एक्स से जेड तक की अनुमानित सबसे छोटी दूरी आप लोगों को निकाल के बतानी है, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको क्या लगा के बताना है भाई, पाइथागोस प्रमेय लगा के बतानी है, पाइथागोस, अब जरा देखो भाई, आओ पाइथागोस लगाते हैं, तुमको ये तो पता होगा ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होता है, तो 20 का स्क्वायर 425 हो गया, 625, 625 जमा में 400 कितना आ गया तुम्हारा, ये 1025, 1025 किसके स्क्वायर के अराउंड है, जरा देखना, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 32 का स्क्वायर देखना भाई, 3 3 9 2 4, 3 6 12, 4 2 6, 9 10, 1006 इसके अराउंड है, 32 के स्क्वायर के अराउंड है, यानी कि लगभग लगभग इसको 32 मीटर पूरा चलना पड़ेगा, कहाँ पे हो गया ये रहा, बताओ जरा, शाबाश, क्लियर होगी बातें, लगभग कितना चलना पड़ेगा, 32 मीटर, ये तो ताकि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अरे पाइथागोरस थे बच्चे, पाइथागोरस लगा रखी है बंदे ने, बताओ जरा शाबाश, तुमसे पूछा है सैनिक लेखक पुरुष, इनका आप लोगों को क्या बताना है, वेन डायग्राम निकाल के बताना, मैंने कहा था कभी भी किसी की दो जात डिफाइन ना होना भाई, सोल्जर में एक की जात डिफाइन नहीं, ना राइटर में जात डिफाइन, उसके लिए एक डायग्राम बने बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था भाई बताओ जरा, अच्छा चलो ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो, वरना एक काम करो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है, देखो डी ऑप्शन आएगा इसके लिए, वैसे तो सबसे बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन इसके लिए डी आएगा, देखो क्योंकि देखो नहीं, डी लिखने की, देखो कंट्रोवर्शियल डी लिखने की जरूरत है ही नहीं तुमको, देखो सोल्जर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, राइटर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, अब जरा देखो भाई क्या है भाई, पुरुष के सारे हो सकते हैं, दो की जात डिफाइन नहीं है तो सीधा सर आएगा, हम क्या लगा दो, एक लगा दो, ए डी कह रहे कुछ बच्चे, डी नहीं आएगा, डी में आप ये कह रहे हो कि सारे के सारे पुरुष राइटर और ये होते हैं, नहीं भाई बताओ जरा, देखो भाई कितना बढ़िया सवाल है, ये कह रहे कि कुछ जार मग है, और कुछ मग क्या है, मटके हैं, ये जार वो होता है जो आप कांच के बर्तन को जार बोला जाता है बच्चे, आप अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट ना करें, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा, ये कह रहा है कि कुछ जार क्या है भाई, मग है, और कुछ मग क्या है, मटके है,
मटके। देखो भाई क्लियर होगी बातें, अब जरा देखो, कुछ मटके मग है, देखो मटके का कुछ भाग मग में है, बिल्कुल सही बात है भाई। कुछ मटके जार है, देखो मटके और जार में अंतर क्या है, बिल्कुल है बीच में हम बैठा भाई, तो ये तो नहीं होगा भाई। तो सिर्फ क्या कर रहा है, ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है, ओनली बी ए वन फॉलो कर रहा है, ओनली एक फॉलो करता है, शाबाश। अगला सवाल देखिएगा, आपको जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है ना शब्दों को, वैसे लिख के बताना है, बताओ जरा। डिक्शनरी के हिसाब से लिख के बताना, बताओ जरा, शाबाश। ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा भाई? आई डोंट नो अबाउट दैट, मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कब होगा, मेरे ख्याल से अक्टूबर तो हो जाएगा, कुछ संभावित डेट है सर इसकी? है अक्टूबर नवंबर बोल रहे हैं दीपक सर भी यहाँ पे, बताओ जरा। पहले आओ ऑप्शन एलिमिनेशन से कराते हैं इसको, डिक्शनरी के हिसाब से देखो, एस सब में है, पहले ए आता है या पी आता है, बोलोगे पहले ए आता है, यानी कि पास से मेरा शुरू होगा, दो ऑप्शन तो मेरे देखते ही कट गए। अच्छा जरा, फिर दूसरे पे क्या आएगा, एम आएगा, या देखो एम आएगा, एम फिर आएगा, चार आएगा, देखो एम दोनों में सेम है, ए पहले आता है, आई पहले आता है, बोलोगे ए पहले आता है फिर आई आता है, यानी कि चार दो पाँच, चार दो, डी ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन। यहाँ और कौन से दीपक सर जी हैं? अरे साइंस वाले सर का नाम भी दीपक है। बताओ जरा ये आकृति किस डायग्राम से ली गई आकृति है, बताओ जरा, शाबाश। बताओ जरा इस आकृति को किस डायग्राम से लिया गया है, शाबाश बताओ। ओके जी, मैंने मेरा कौन था, कोई बात नहीं, बताओ जरा, नए हो तुम इसलिए इस चैनल पे। देखो इस आकृति को देखो यहां से लिया गया, देखो ये आकृति ए कह रहे, शाबाश, देखो ये रही, बहुत बढ़िया, कैसे लिया गया अभी, ए से लिया गया, रोकी विरागी सबका सही अभी, ए ए ए, बहुत बढ़िया शाबाश। अगला सवाल तुमसे पूछा है भाई, बताओ जरा निकाल के, 8, 17, 36, 75 और ये 154, अगला निकाल के बताए, बताओ जरा शाबाश। दीपक सरन से पूछ लो, बताओ जरा, चलो भाई देख के बताओ। 8 दूनी 16 प्लस में 1 17, 17 दूनी 34 प्लस में 2, 36 दूनी 72 प्लस में 3, 75 दूनी 150 प्लस में 4। अब जरा देखना 154 दूनी कितना आ जाएगा भाई, 308 आ जाएगा, और प्लस में 5 कर दो भाई, तुम्हारा 313 आ जाएगा। देखो भाई चाइनीज कोडिंग बोलते हैं उसको, चाइनीज कोडिंग, बताओ जरा शाबाश। ये वैसे मैंने करवा भी रखी है, और एक बार आप चेक भी कर लो, आपका आता है नहीं तो फिर मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जरा शाबाश सारे के सारे भाई बहन, बताओ भाई बताओ शाबाश। दो सवाल रुक जा, बताओ जरा शाबाश, बताओ जरा। सा और सो के लिए आप लोगों से शब्द पूछा, सा और सो के लिए क्या आएगा, पहले देखो सा और सो आए कहाँ पे है, आप बोलोगे सर सा तो देखो यहाँ पे आया है और सो यहाँ पे आया है, चलो आप चेक करते हैं भाई, आओ देखो ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, पहले देखो आर यहाँ पर आया है, आर भी यहाँ पर आया है, तो इनके लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, आप बोलोगे इनके लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पा, पा आर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो लोकड के लिए क्या हो जाएगा, जरा देखो लोक
पीपल कहीं पे आया है, डोर पीपल में से कोई आया हो, आप बोलोगे पीपल भी यहाँ पे आया है और पीपल यहाँ पे आया है, पीपल यहाँ पे आया है और पीपल यहाँ पे आया है, ठीक है भाई, पीपल यहाँ पे आया है और पीपल भी यहाँ पे आया है। अच्छा, नहीं थोड़ा गड़बड़ होगी, ये पीछे की तरफ है इसके कोड सारे के सारे, देखो ये रहा पीछे की तरफ इनके कोड, मैं आगे की तरफ पढ़ रहा हूँ बार बार, जरा देखो, अब जरा देखो ध्यान से, आर यहाँ पर आया है और आर यहाँ पे आया है, कोड क्या इस्तेमाल हुआ है, आप बोलोगे सर इसके लिए इस्तेमाल हुआ है आपका लो रे गा, ठीक है लो रे गा, और इसके लिए कोड क्या हुआ है, गा देखो यहाँ पर भी आया है और गा यहाँ पर भी आया, तो आर के लिए जो कोड होएगा वो आएगा गा। अच्छा अब जरा देखो भाई, पीपल देखो यहाँ, पीपल यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है और पीपल यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, वर्ड क्या रिपीट हुआ है भाई, रिपीट हुआ है तुम्हारा पा, पा पीपल के लिए फिर कोड क्या आ जाएगा पा, तो एंग्री के लिए कोड क्या रह गया सा, एंग्री के लिए कोड क्या रह गया सा, तो यानी कि पहला जो आएगा मेरा एंग्री आएगा, सिर्फ डी ऑप्शन में, सिर्फ किस में है, डी ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। अगला सवाल देख लो जल्दी जल्दी, चलो सवाल खुद करके लाओगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका भी आंसर, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना भाई स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है इसका भी आप जरूर डाल देना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है ये थे 50 सवाल भाई, ठीक है जैसे भी वीडियो लगी हो, जैसा भी आपको ये लगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैपअप करता हूँ सारे क्वेश्चंस को, ठीक है 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे, इनका आंसर्स है जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा अपना आंसर्स, ठीक है चलिएगा, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।